नमस्कार, मैं अभय वर्मा, विधायक लक्ष्मीनगर दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, कम जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। जमुना पार का सबसे नज़दीकी क्षेत्र होने के कारण मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। जो भी दिल्ली में लोग आते हैं और दिल्ली में काम करते हैं तो उनका पहला निवास स्थान लक्ष्मीनगर होता है, क्योंकि वो जमुना का पार भी है और मेन दिल्ली से सटा हुआ है। तो इसलिए लगभग 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में पूरा विधानसभा है। वहाँ पे मतदाता 2.25 लाख हैं और पॉपुलेशन मुझे लगता है 8-10 लाख से कम नहीं होगा। तो एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया वाला कंस्टिट्यूएंसी है और मध्यम वर्ग के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार देश के सभी विधायकों को एक जगह पर आमंत्रित किया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि विधायक जो कड़ी है, अगर डेमोक्रेसी में देखिए तो सांसद सबसे बड़ा होता है और निगम पार्षद छोटा होता है, और उसके बीच का कड़ी है विधायक। विधायक जो है वो पार्षदों के साथ भी डील करता है और विधायक जो है वो सांसदों से भी कनेक्ट होता है। तो जनता के मूलभूत कार्यों का लेखा जोखा विधायक के निमित्त ही रहता है, क्योंकि वो पार्षदों की भी सुनते हैं और सांसद से भी बात करते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास ये आयोजन करके किया गया है ये कॉन्फ्रेंस, और मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। देखिए, आजकल दुनिया में हर काम में प्रोफेशनलिज्म आया है, और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ट्रेडिशनलिज्म है, ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि नेताजी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे, वादे करेंगे, फिर जीत के आएंगे, फिर उस काम को कराएंगे। तो अगर हम नए अप्रोच और नए क्लेवर और फ्लेवर के साथ अगर इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और ये इंट्रैक्शंस अगर इस प्रकार के होते हैं, तो जैसे आज मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे तमिलनाडु के कार्यप्रणाली के बारे में पता चलेगा, मुझे महाराष्ट्र के कार्यप्रणाली के बारे में पता चलेगा, और जो अच्छी बातें होगी वो दिल्ली में ले जाके मैं लागू करूंगा, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, दिल्ली में मैं विपक्ष का विधायक हूँ और हमारे स्टेट का लगभग 70,000 करोड़ का बजट है, और उसमें लगभग 70,000 करोड़ में 1/70 यानी 70 विधायक हैं दिल्ली में, तो 1/70 हिस्सा हमारा बनता है। लेकिन विपक्ष के विधायक होने के कारण बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी दिक्कतें सरकार के द्वारा क्रिएट की जाती है कि विपक्ष का MLA काम ना कर पाए क्षेत्र में, और फिर भी जनता को संतुष्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है कि एज ए विधायक मैं अपने आप को कैसे परफॉर्म करूं, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहती नहीं, जनता मुझसे काम चाहती है। तो इन दोनों के बीच में अपने आप को रख के एक सफल विधायक बनने का प्रयास करना एक अच्छा चैलेंज है, और मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूं। देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था और मैं प्रेसिडेंट बना था, वो मेरे जीवन का पहला चुनाव था। उसके बाद मैं बार काउंसिल का 2 बार मेंबर बना हूँ, और फिर ऑनरेरी सेक्रेटरी बना था मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का,
और उसके बाद मैं दो बार विधायक का चुनाव लड़ा हूँ। पहली बार मैं जीत नहीं पाया था, दूसरी बार मैं जीता हूँ। देखिए, हमारे लोकतंत्र का सबसे अच्छा पहलू है कि कई विचारों और कई प्रकार के डिवीजन के बावजूद, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन पॉलिटिक्स है, फाइलम पॉलिटिक्स है, फिर व्यवसाय के हिसाब से पॉलिटिक्स है, और उसके बाद उसमें से एक लीडर निकलता है और वो चुना जाता है। तो सबसे अच्छा है कि अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के सोच और अनेक प्रकार के परिवेश से निकल के जो लीडर सामने आता है, ये सबसे बड़ा खूबसूरती हमारे लोकतंत्र का है। मेरी स्ट्रेंथ रही है जमीन पे काम करना। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ और लोगों के उस समस्या को मैं आखिरी दम तक पूरा करने का प्रयास करता हूं, जिससे लोग मुझे पसंद करते हैं। देखिए, राजनीति को लेकर जो एक संशय बना हुआ है समाज में, मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूं कि मेरे परिवार में भी पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं माना जाता था। क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, झूठ बोलना, जनता से वादा करके मुकर जाना, जनता के बीच में दोबारा नहीं आना, ऐसी ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ नेताओं के बारे में समाज में व्याप्त है। और मुझे लगता है कि मेरा यंग जनरेशन अगर इसको एज ए वर्क, एज ए ड्यूटी, एज ए परफॉर्मेंस सेलेक्ट करता है, तो उससे क्षेत्र का विकास होगा, उस प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो अगर हमें देश को आगे लेके जाना है, तो हमारे युवा साथी को इस जो अपरिचित क्षेत्र है, उनको लगता है कि मैं मैनेजमेंट कर लूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, मैं सिविल सर्विसेज कर जाऊँगा, तो मेरा कैरियर सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यूथ को बड़ी संख्या में पॉलिटिक्स को ऑप्ट करना चाहिए और पॉलिटिक्स के माध्यम से एक सेवा भाव के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। इससे अल्टीमेट गोल मिलेगा। लोग, जो भी गार्जियन या जो भी पढ़ाया जाता है कि आप अच्छी नौकरी करोगे तो आपके परिवार का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा तो आपके राज्य का विकास होगा, और आप अच्छा बनोगे तो आपके देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम पॉलिटिक्स को अगर शुद्ध करेंगे, अगर एक शुचिता और ईमानदारी के साथ राजनीति करेंगे, तो जो गोल हम एक कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, वही गोल यहाँ भी सेट हो रहा है। तो इसलिए मैं आह्वान करूँगा कि हमारे युवा साथी राजनीति को एक ड्यूटी के रूप में, एक परफॉर्मेंस के रूप में लेके उनको आना चाहिए।